नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया टेक के एक और वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस HP के लैपटॉप में रैम डालना सिखाऊंगा। ये मेरे पास एक 8GB की रैम है जो कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका लैपटॉप कौन सी रैम सपोर्ट करता है। और ये 2133 MHz की रैम है जो कि मेरे प्रोसेसर के साथ कंपेटेबल है। पहले से इस लैपटॉप में 4GB रैम आई थी, मैं इसमें 8GB रैम और डालने वाला हूँ जो कि 2133 MHz की है। आप चाहें तो CPU-Z एक छोटा सा सॉफ्टवेयर उसको डाल के पता कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कौन सी रैम और कितना चल रहा है। आप टास्क मैनेजर में जाके भी पता कर सकते हैं कि वो आपका जो लैपटॉप है वो 2133 MHz सपोर्ट करता है या 2400 MHz सपोर्ट करता है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसके सारे पेज खोलूंगा। तो इसके लिए मेरे को एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, तो सबसे पहले मैं ये बीच वाला पेज खोलता हूँ। तो इस पेज को खोलने के बाद आप चाहें तो अपना DVD रोम निकाल सकते हैं। तो ये आपके DVD रोम का पेज था। चलिए उसके बाद मैं बाकी पेज खोलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने पेज हैं। तो 4 पेज खोलने के बाद ये जो रबड़ लगी हुई है इनके नीचे भी पेज है, मैं वो भी खोल देता हूँ। ऐसे ही आप ये वाली रबड़ भी खोलेंगे। तो आपके टोटल 4, 3, 7, 8, 9, 10 और 11, तो टोटल 11 स्क्रूज हैं। उसके बाद आप इसको सीधा करेंगे और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ा सा इसको देखूंगी, लगभग खुल चुका है। अब उसको दोबारा से पलट दीजिए और ये आपका खुल गया। तो देखिए यहाँ पे हमारी एक पहले से ऑलरेडी रैम लगी हुई है, हम यहाँ पे अपनी दूसरी रैम लगाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये इसे मैच करना है और उसके बाद इसको ऐसे दबा देना और आपकी जो है रैम लग गई है। अब जब इसको निकालना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे दबा के बाहर आपकी एग्जिट कर जाएगी। जब लगाना है तो आप ये लगा के इसको अच्छे से दबाइए इसमें और दबा लीजिए, तो ये आपकी रैम जो है लग जाएगी। तो 4GB ये रैम है और 8GB ये रैम है। ये मेरी SSD है, ये आपकी बैटरी है, ये आपकी HDD है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कि इसने इस रैम को रीड किया भी है या नहीं। अभी मैं इसको ऐसे ही बंद कर देता हूँ और मैं इसको स्टार्ट करके देखता हूँ कि इसने रैम को रीड किया भी है या नहीं किया है। चलिए मैं स्टार्ट बटन दबाता हूँ। तो देखिए आपका लैपटॉप चल गया है। अब हम एक बार डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं और पे जाके आप राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में जाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दिखा रहा है ये अब इसमें 12GB रैम दिखा रहा है जो कि पहले सिर्फ 4GB दिखा रहा था। आप दूसरे तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह देखना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और टास्क मैनेजर पे जाइए। उसके बाद आप यहाँ परफॉर्मेंस पे क्लिक कीजिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और मेमोरी पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेमोरी जो है वो 12GB दिखा रहा है और 2133 MHz पे दोनों रैम चल रही हैं और स्लॉट ये दिखा रहा है कि दोनों यूज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं
कि आपके रैम लैपटॉप में कितनी रैम है। देखिए यहाँ पे 2133 दिखा रहे हैं, इसलिए मैं जो नई रैम खरीद के लाया वो 2133 मेगाहर्ट्ज़ की थी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये 12 GB मेरे लैपटॉप में रैम है और ये इसको अच्छे से यूज़ कर पा रहा है। तो उसके बाद आप इसको शट डाउन कीजिए एक बार फिर से और इसको बंद करके आप सारे पेज दोबारा इसमें कस दीजिए। पहले आप इसको अच्छे से बंद कर दीजिए। बाद आप सबसे पहले इसमें अपना सीडी रोम लगा दीजिए वापस। ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप अपने सीडी रोम को ही लगाएं तो अच्छा है। उसके बाद जब आपके सारे पेज लग जाएं तो आप इसको धीरे धीरे करके पूरा बराबर लेके चिपका दीजिए रबड़ को। इसमें ऑलरेडी एक ग्लू टाइप होता है जिससे आसानी से चिपक जाती है। दोस्तों अभी आपका लैपटॉप के अंदर रैम लग चुकी है 12 GB और आज का उसमें इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।